हुंडई की गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि आपको स्टाइल, पावर और कंफर्ट तीनों ही देती हैं। और कंपनी ने भारत में ग्रैंड i20 नियोज ई नए स्पोर्ट्स वेरिएंट को लॉन्च किया है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। हमें मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी की शुरुआती कीमत ऑल्टो से भी कम हो सकती है और फीचर्स बहुत ही शानदार हैं। हम आगे कुछ और बताएं उसके पहले सिर्फ इतना तो कह ही सकते हैं ना कि प्लीज आप हमारे चैनल रियल ऑटो न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर सकें। वेल, हमें मिली जानकारी के मुताबिक ग्रैंड i20 नियोज स्पोर्ट्स वेरिएंट की दो ड्यूअल टोन और दो सिंगल टोन कलर के साथ गाड़ी लॉन्च होगी, जो कि इसे काफी खूबसूरत बनाती हैं। इन कलर्स में एक फेरी रेड के साथ आपको ब्लैक रूफ मिलेगी और पोलर व्हाइट रंग की गाड़ी के साथ भी ब्लैक रूफ ही मिलेगी। और सिंगल टोन कलर की बात करें तो ये एक्वाटील और पोलर व्हाइट कलर में मिलेगी। इस गाड़ी की एक और खास बात ये भी है कि इससे आपको 20.3 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज मिलेगा, जो कि इसे हर तरह के इस्तेमाल के लिए बेस्ट बनाता है। गाड़ी में अंदर की तरफ आपको ब्लैक एंड रेड कलर स्कीम मिलती है, जिसकी वजह से गाड़ी के केबिन में स्पोर्टी और अर्बन लुक मिलता है। साथ ही गाड़ी में कई एडवांस फीचर्स मिलेंगे जो कि आपको बहुत ही बढ़िया फील और कंफर्ट देते हैं। गाड़ी के एक्सटीरियर की बात की जाए तो गाड़ी में आपको फ्रंट ग्रिल मिलेंगे और पीछे की तरफ यूनिक टर्बो बैज मिलेगा, जो कि इसे काफी पावरफुल लुक देता है। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की, तो गाड़ी में 998 सीसी का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जिससे गाड़ी को 100 पीएस की पावर और 17.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। साथ ही गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, जो कि आपको गाड़ी पर बढ़िया कंट्रोल देगा। आखिरी बात करते हैं कीमत की, तो इस गाड़ी की शुरुआती एक शोरूम कीमत सिर्फ 3,10,000 रुपए के करीब होगी, जो कि 6,80,000 तक जा सकती है। हालांकि इसमें कुछ खर्चे और भी हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती एक शोरूम कीमत बहुत ही कम है, जिसकी वजह से गाड़ी की ओवरऑल कीमत भी ज्यादा नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको ये गाड़ी कैसी लगी हमें जरूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमें सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।